है हरियाणा के करनाल से आ रही एक खबर के साथ, जहां पर 3 मंजिला राइस मिल जमींदोज हो गई है। सुबह करीब 3:30 बजे यह हादसा हुआ है। मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में आपको 12 बड़े अपडेट इस वक्त के बता देते हैं। सबसे पहले हादसा कितनी बजे हुआ? 3:30 बजे हुआ है, ये पहला अपडेट है। आपको हम बता रहे हैं कि कब हुआ हादसा, 3:30 बजे। क्या हुआ है? राइस मिल की 3 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई है। कब हुआ, क्या हुआ, यह हम आपको बता चुके हैं। 120 मजदूरों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई है। राइस मिल की इस इमारत में करीब 200 मजदूर रहते थे, और आप देखिए कि 200 मजदूर यहां पर थे, जिनमें से 120 मजदूरों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई है। 4 मजदूर मलबे में दब गए, और इमारत के पहले फ्लोर पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। राइस मिल का रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर अनसेफ था, ये बात डीसी अनीश यादव ने कही है। आप देखिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर अनसेफ था, बावजूद इसके 200 लोग यहाँ पर रह रहे थे, रिपेयरिंग का काम चल रहा था। और जिस बिल्डिंग में अगर रिपेयरिंग का काम चल रहा हो, क्या उस बिल्डिंग में 200 लोग रह सकते हैं? इसका जवाब कानून दे सकता है, लेकिन इसका जवाब शायद उस ठेकेदार के पास नहीं जो रिपेयरिंग का काम करवा रहा था। SDM की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, ये एक बड़ी अपडेट है। अगली अपडेट आपको ये बता दें कि हादसे में घायल 18 मजदूर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। इसी के साथ आपको एक अपडेट और दे दें, हादसे में घायल 2 से 3 लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई बुरी खबर इसमें न आए, लेकिन हादसे में घायल 2 से 3 लोगों की हालत अब भी खराब है। दूसरी बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हो चुका है, और हादसे में घायल 2 से 3 लोगों की स्थिति फिलहाल बहुत नाजुक बनी हुई है। तो ये वो 12 अपडेट इस वक्त के। तो देखिए, हादसे से जुड़ी 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर, जिसमें 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद जो मलबा हटाने का काम हो रहा था, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था, उसकी तस्वीर। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि कैसे वहां पर डॉग स्क्वाड भी पहुंची हुई है, और पूरी कोशिश हो रही है कि अगर मलबे के नीचे कोई दबा है तो उन्हें निकाला जा सके। तो ऐसे में 4 मजदूर निकाले गए, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके शव निकाले गए हैं, वो जिंदा नहीं बचे। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब करीब पूरा हो चुका है, लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर है, और उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस वक्त घायल हैं उनकी स्थिति नाजुक न बनी रहे, वो जल्द ही ठीक हो। और देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है वो जस का तस बना हुआ है कि हादसे का जिम्मेदार कौन है। जब कलेक्टर ये कह रहे हैं, अनीश यादव, कि बिल्डिंग अनसेफ थी, स्ट्रक्चर अनसेफ था, पहली बात, दूसरी बात कि यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो फिर इन दो चीज़ों के बाद कैसे 200 मजदूर इस बिल्डिंग के अंदर रह सकते हैं? और अगर 120 मजदूरों ने खिड़कियों से कूदकर अगर अपनी जान बचाई है, यानी कि बहुत से लोग इस बात को लेकर अवेयर थे कि ये बिल्डिंग बिल्कुल अनसेफ है, उन्हें बहुत पहले से अंदेशा था कि यहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जो कि हुआ भी, बावजूद इसके आप देखिए कि 4 मजदूर अपनी जान गंवा बैठे हैं। टोटल जो इंजर्ड जो व्यक्ति है उनकी संख्या 20 है। सभी की हमने जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको सभी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में हमने एडमिट करवा दिया है, और उनकी देखरेख करी जा रही है। इसके अलावा 4 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी मौके पे मौत हो गई है। रेस्क्यू अभी भी चल रहा है? रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, पर हमने जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे रहते थे उनको अकाउंट फोर करा है, और जो यहाँ पे जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो हमको सूचना मिली है, तो सभी अकाउंट फोर कर लिए गए हैं। टोटल 24 अफेक्टेड पर्सन्स थे, बाकी जो 150 के आसपास टोटल लोग यहाँ पे रहते थे, उसमें से बाकी लोग तो पीछे के जो खिड़कियाँ थी और वहाँ से उन्होंने एस्केप कर लिया टाइमली, तो बाकी 24 में से 20 आर इंजर्ड एंड 4 आर डेड। काफ़ी दुख का विषय कि ऐसी घटना हुई है, बट जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनती है वो करेंगे। मौके पे पहुंच के हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी यहाँ पे थी, हॉस्पिटल्स वगैरह सारे एक्टिवेट कराए गए, डॉक्टर्स पहुँचे वहाँ पे, और जो भीड़ इकट्ठे गई उसे भी हम लॉ एंड ऑर्डर काबू में रखे। अभी तक जो हमें पता चला है कि वही 20 की इंजरी है और 4 डेथ है, और सारी गिनती करवा ली गई, तो अभी कोई मिसिंग नहीं है, कोई मिसिंग पर्सन।
तो नो मोर फैटलिटीज एक्सपेक्टेड। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन वो जो मलबा वगैरह उसका हटाने का काम चल रहा है, जो कि पूरा दिन लगेगा कम से कम। उसके बाद जो डीसी साहब ने जो कमेटी गठित की है उनके रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। उसके कोई कार्रवाई वगैरह भी की जाएगी? बिल्कुल, जैसे शिकायत आई कार्रवाई करेंगे, और जैसे कि डीसी साहब की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी 2 दिन के अंदर। और मेरे सहयोगी कमरजीत सिंह विर्क मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, कमरजीत ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कमरजीत, जब डीसी अनीश यादव ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर अनसेफ था, जब पहले फ्लोर पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इन दो चीजों के बाद ये कैसे संभव है कि 200 लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हों? किसकी लापरवाही? देखिए हार्दिक, पूरी बात करी जाए तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो इसके ऑनर है उसके ऊपर सवाल तो खड़े होते हैं। जो करनाल के डीसी अनिश यादव ने कहा कि बिल्डिंग अनसेफ थी और उसमें 200 के करीब लोग रहे थे, पूरे मामले को लेकर एक कमेटी बना देगी, कमेटी जांच करेगी, जांच में कौन कौन दोषी है। और एसपी जो करनाल उनका भी यही कहना है कि मामला दर्ज किया जाएगा, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इतना है कि 200 लोगों को कैसे उस बिल्डिंग में रखा गया था जब अनसेफ बिल्डिंग थी, उसके साथ सब गणमत्ता ये रही जो अब जांच चीजें निकल कर आई है कि लेंटर ऊपर नहीं गिरा। लेंटर अगर ऊपर गिरता तो काफी और मजदूरों की जो जान जा सकती थी। लेंटर गिरते गिरते एक साइड में ही चला गया, जो बाद में अब मशीनें जेसीबी मशीनें हटा रही हैं। इसको लेकर एक बड़ा सवाल जरूर है कि अगर लेंटर भी यहां गिरता तो और लोगों की भी जान जा सकती थी। और जो 20 लोग हैं उनका कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, उनकी 2 से 3 ऐसे हैं जिनकी नाजुक स्थिति बनी हुई है और को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन अधिकारी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रेफर कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो जो बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग है, साइड वाली बिल्डिंग है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रशासन ने गिराना। कमर जी, दूसरी बिल्डिंग को गिराने का काम किस लिए किया जा रहा है? देखिए अगर बात करें हार्दिक, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब ये बिल्डिंग अनसेफ है तो दूसरी बिल्डिंग पर भी असर जरूर पड़ा होगा। जब दूसरी बिल्डिंग गिरी है तो उसका जो पूरे का पूरा फर्स्ट फ्लोर का जो ऊपर का जो लेंटर था उसके ऊपर चला गया है और इसी वजह से उस बिल्डिंग को भी गिराना शुरू कर दिया और पूरे को मलबे में ढेर कर उस पूरी बिल्डिंग को हटाया जाएगा। और इसके साथ अगर बात करें एनडीआरएफ की टीम है, जब दूसरी टीम है, उन्होंने अपना काम कहीं ना कहीं खत्म कर दिया, रेस्क्यू खत्म कर दिया, लेकिन जो मलबा है उसको हटाने का काम शुरू है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। कमरजीत, मलबा कितना है और क्या लगता है कब तक पूरा मलबा हट जाएगा? देखिए अगर बात करें तो जगह दूसरी पहले जो मलबा था, जो लोग दबे होने की आशंका थी, उस मलबे को तो पहले ही ईंटें थी, जो दूसरा मलबा था उसको हटा लिया गया था। जब पूरी तरह ये सिक्योर हो गया था कि जो एनडीआरएफ ने पूरी जानकारी दे दी थी कि अंदर कोई भी किसी तरह का कोई इंसान नहीं है, उसके बाद उन्होंने ये पूरी की पूरी दूसरी बिल्डिंग का जहाँ साइड में थी बिल्डिंग का जो था मलबा था उसको गिरा दिया था। अब उसको गिराकर उसके मलबे को भी कहीं ना कहीं उठाने का काम शुरू कर दिया है। और इसके साथ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये बिल्डिंग अगर कोई और भी किसी और साइड में गिरती तो ये रोड के ऊपर बिल्डिंग थी और भी कहीं नुकसान हो सकता था। और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने एक एक्सीएन और जो एसडीएम करनाल है और तमाम लोगों की एक कमेटी बनाई है और उसका कमेटी जांच करे। इसके साथ करनाल प्रशासन ने जिन लोगों की डेथ हुई उनके लिए मुआवजे की घोषणा कर देगी, 8 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। जी कमरजीत, वैसे अगर इस पूरे हादसे को ओवरऑल देखा जाए तो कोई ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, 4 लोगों की मौत हुई है, 200 लोगों की जान खतरे में डाली गई है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उस पर सख्त कार्रवाई जरूर हो। मामले में जो भी अपडेट आती रहे आप प्लीज हमें बताते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।